हम नहीं बोलेगी बात। चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर, हम नहीं बोलेगी बात। नमस्कार मित्रों, वाराणसी के आसपास और यहाँ का जो लंगड़ा आम है, आप देख सकते हैं लंगड़े आम की जो साइज़ होती है, वाकई में फलों के राजा आम और आम में कहा जाए लंगड़ा आम। और वाराणसी के से थोड़े दूर पे 250 किलोमीटर गोरखपुर पे, गोरखपुर के पास भी उत्पादन होता है, लेकिन लखनऊ के साइड मलहाबाद में जहाँ पर आम का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है, वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या इस बार ये हुई कि लॉकडाउन की इस परिस्थिति में जहाँ पर जो दिल्ली और बम्बई से जो बगीचों को ख़रीदा करते थे, लेकिन इस बार लॉकडाउन में आने की परिस्थिति ना होने के कारण वहाँ व्यापारियों ने उस बगीचों को ख़रीदा नहीं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और लोगों की जो आर्थिक परेशानी होती है उनका भी किसानों को सामना करना पड़ा। आपका नाम? आपका यहाँ पे लंगड़े आम का बगीचा है, तो इस बार लॉकडाउन में क्या समस्या हुई आपको? हम कोई आम नहीं लगे, लॉकडाउन सरकार, भारत सरकार का जो रूल नियम बना था उसका पालन हम करेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो आपके टोटल कितने आम के पेड़ हैं? 22 आम के पेड़ हैं। आप लोगों को बताएं कि जैसे एक आम का पेड़ है और इसको जवान होने में और फल देने में कितना साल लग जाता है? उनको कम से कम 5 साल का हम अगर लगना लगाते हैं, हाँ, तो 5 साल उसको मारेंगे, हाँ, पैदा होने में, हाँ, 5 साल उसको पैदा होने में, मतलब जमीन में लगाने के बाद 5 साल के बाद जो बहुत आते हैं, हाँ, उसको तोड़ दिया जाता है। अच्छा, 2 साल उसको तोड़ने के बाद तो उसमें जान आ जाता है। जब उस पेड़ में जान आ जाएगा तो अपने आप 13वें साल में जो वो फरेगा तो उसका दाना भी बड़ा होगा, टिकाऊ होगा, लगड़ा 100 बरस तक चलता है। 100 बरस तक चलता है एक पुष्प के, अगर हम लगाएंगे इस उम्र में, हाँ, तो अगर हम रह गए 10-12 बरस, अच्छा, तो हम खा सकते हैं, ना हमारा अगला पीढ़ी खाए, मतलब कि अगर एक, अच्छा, तो ले लेके 100 साल तकरीबन चल जाता है, 100 से 20 ही जाता। अच्छा, इस बार आंधी तूफान में क्या परेशानी हुई? अरे बहुत नुकसान हुआ, कम से कम नहीं 2500 का नुकसान हुआ। 2500 का नुकसान हुआ क्योंकि हर हफ्ते में एक तूफान आया। हर हफ्ते में तूफान आया, तूफान अब बताइए 1.5 क्विंटल मान कर चलिए। क्या लंगड़े आम को इस तरह, लंगड़े आम के पेड़ को फल आने के बाद जब आम आ जाता है और आम अच्छी स्थिति में आ जाता है, तो इस तरह क्या छोड़ दिया जा सकता है अकेले? उसको पानी दिया जाता, भरा जाता, जोतवाया जाता है। नहीं, इसकी आप रखवाली और सुरक्षा के लिहाज से क्या करते हैं? अरे वो तो रातों दिन आपको जागना पड़ेगा इसके लिए ना। अच्छा, क्योंकि उसमें बहुत से जानवर ऐसे ऐसे हैं, इंसान रूपी जानवर भी, इंसान रूपी भी, भाई आप ही चल रहे हैं रोड पर, हाँ, आम तोड़ लिए, अच्छा है आम गिरा हुआ, हर आदमी लालच करता है इस आम को लेकर, चीजें है आम। ये मैंने क्या पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में ही ज्यादा होता है लंगड़ा आम? बनारसी लंगड़ा बनारस का मशहूर है, हाँ, पूरी यूपी का लंगड़ा मशहूर है, मान कर चलो, मैंने अलग अलग टेस्ट होगा, बनारस का टेस्ट लंगड़ा आप खाएंगे तो कभी पंचो नहीं आएगा बिजी पर, जो कोई उसकी गुठलियाँ होती है उस पर कोई पंचो टाइप का नहीं आएगा बनारस में, ये खूबी है। अच्छा, शुरू से आखिरी तक बिजी तक वो मीठ है। माने ये आपकी 3 महीने की मेहनत है और 24 घंटे की मेहनत है, रात्रि जागरण करना पड़ता है जब जाके आम का, उस समय तो जानवर आपको नहीं मिली जाए, दिल्ली जाए यहाँ तक, तो यहाँ सोए हुए हैं दिल्ली जाए आकर के आम काट करके 2500 किलो। अच्छा, इस समय कितने रुपए पसेरी है आम? 150 रुपये। 150, माने 150 रुपये का 5 किलो। अच्छा ठीक, हम नहीं बोलेगी बात। चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर, हम नहीं बोलेंगे।